जनपद संभल के चंदौसी में भारतीय किसान यूनियन जनपद संभल के कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चंदौसी का कार्यालय घेरा और बिजली अधिकारियों पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और अधिकारियों को 3 बजे तक किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। 3 बजे तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचे गुस्साए किसानों ने धरना स्थल छोड़कर तहसील तिराहा पर रोड जाम कर दिया। अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीओ चंदौसी और एसडीएम चंदौसी अधिशासी अभियंता मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की, पर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। एसडीएम ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रमुख महासचिव की वार्ता दूरभाष पर चीफ इंजीनियर मुरादाबाद से कराई। उनके आश्वासन पर किसानों ने आंदोलन खत्म किया। सर क्या नाम है आपका? मेरा बिजेंद्र सिंह यादव नाम है जी। भारतीय किसान का प्रदेश प्रमुख महासचिव जी। सर आप जो बिजली के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या क्या मांग है? ऐसा है, 7 मांगों को लेकर हमने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश अग्रवाल को 25 नवंबर में एक ज्ञापन दिया था जी सर, और हमने उनसे मांग की थी जी कि भाई हमारी इन समस्याओं का आप शीघ्र निराकरण करें, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से अनदेखी की गई, उनसे कोई बात नहीं की गई। हम उसी 8 दिन का समय दिया था, उसी के लिए आज हम बड़ा आंदोलन विभाग के खिलाफ कर रहे हैं जी। उसमें एक जेई है, उसने किसानों से बहुत भ्रष्टाचार किया है, बहुत किसानों की लूट की है, किसानों को जो ट्यूबवेल आवेदक है उनको सामान दिलाने, जर्जर लाने को बदलने, किसानों के खिलाफ जो FIR हुई है उन्हें समाप्त करने, इन मांगों को लेकर हम बैठे हैं। हमने 12 बजे धरना शुरू कर दिया था और 12 बजे के बाद 3 घंटे का समय दिया था अधिकारी यहाँ, लेकिन यहाँ के अधिशासी अभियंता अध्यक्षण अभियंता कोई हमारे बीच में नहीं आए। मजबूरन हमने 3 घंटे बाद 3 बजे ये ITI तहसील चौराया जाम कर दिया, और जब तक हम जाम जारी रखेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान।